भक्तिमयी भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।
सावन की पूर्णिमा को यहां अंतिम छड़ी पहुंचती है। कहते हैं पूर्व काल में ये छड़ी नागराज तक्षक ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके प्राप्त की थी। इस ओर हैं बर्फ की दो आकृतियां जिन्हें गणेश और माता पार्वती कहकर पूजा जाता है, और ये हिम निर्मित शिवलिंग, उनकी माया वही जान है, परंतु ये तो जग प्रमाणित है कि ये शिवलिंग वर्ष प्रति वर्ष मंद गति से क्षीण होकर एक वर्ष पश्चात अमावस्या को फिर से अपने आप बढ़ने लगता है और श्रावण की पूर्णिमा को फिर से अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो उठता है। शायद हमें इस सत्य से अवगत कराते रहने के लिए कि रूप भले ही बदलते रहें, परंतु मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। Thank you.
रावण माला मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक प्रभुतादिक सनकादिक प्रभुतादिक देवादिक संगे मंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु महेशा जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर दो मध्ये प्रणवाक्षर दो मध्ये ये तीनों एका शिवानंद स्वामी इच्छित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। इसके बाद हमारे मुख से हर हर महादेव का जय घोष और फिर वो घड़ी जब हम प्रवेश करते हैं दूर दूर तक फैले बर्फ के पहाड़ों के बीच 60 फुट लंबी 30 फुट चौड़ी और 15 फुट ऊंची अमरनाथ गुफा में। तो देखिए यही है वो अलौकिक और कभी ना भुलाया जाने वाला दृश्य जो हमें ऐसी आत्मिक शांति ऐसे उल्लास और ऐसे आनंद का आभास कराता है
जिसे इससे पहले ना तो हम कभी जान सके और ना ही जिसकी कभी कल्पना कर सके। तुम अगर द्वारे बोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। तुम अगर द्वारे बोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। बाबा शिव को पुकारा जो मन से कभी, जो खजाने हैं खाली भोले की भक्ति है सबसे सरल, जो किसी देव देवी में पाई नहीं। कौन ऐसा अभागा है संसार में, जिसने शिव जी की महिमा को गाई नहीं। सोचने में समय तेरा जाता रहा, तो सुहाने ये पल भी गुजर जाएंगे। तुम अगर द्वार खोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। समुद्र तल से 11,730 फुट की ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में यूं तो एक डाक बंगला भी है, परंतु यात्रा काल में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण यहां तंबू लगाकर ही ठहरना पड़ता है। यहां से 13 किलोमीटर का मार्ग तय करके हम पहुंचते हैं पंचतरणी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी होने से यहां तक के मार्ग में ठंड इतनी ज्यादा होती है कि अपने चेहरे पर वैसलीन जैसी कोई चीज लगाए बिना आगे बढ़ना असंभव सा लगता है। कहते हैं यहां तांडव नृत्य करते हुए भगवान शिव का जटाजूट ढीला हो गया था और उसमें से 5 धाराओं में गंगा प्रकट हुई थी, तभी इसे कहते हैं बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचतरणी गंगा। मान्यता है कि यहां गौचंदन, सोना, वस्त्र, केसर, कस्तूरी का दान करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। भज मन शंकर भोले नाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोले नाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोले नाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। भज मन शंकर भोले नाथ, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले। डमरू मधुर बजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले।
विजया भोग लगाने वाले भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले महादेव कहाने वाले भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले भजमन शंकर भोलेनाथ डमरू मधुर बजाने वाले। यहां से आगे का मार्ग हमें तय करना होता है घोड़ों पर या फिर पैदल ही। यहां से चंदनवाड़ी का 16 किलोमीटर का मार्ग काफी सरल है। यहां हम समुद्र तल से 8,500 फुट की ऊंचाई पर होते हैं, परंतु इसके बाद पिस्सू घाटी तक का मार्ग कठिन चढ़ाई चढ़ने का हमारे लिए एक यादगार अनुभव बनकर रह जाता है। यही वो पहाड़ है जिस पर भगवान शिव के दर्शनों के लिए एक दूसरे से पहले चढ़ने का हठ करते देवों और दानवों में बाहु युद्ध छिड़ गया था और भगवान शिव की कृपा से देवों ने दानवों का चूर्ण कर दिया था। उसी चूर्ण का ढेर बनने से यह पर्वत पेशण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्तों का विश्वास है कि इसके दर्शन से भूत प्रेत पिशाच का भय समाप्त हो जाता है। जो श्रद्धा और भक्ति से इसे नमस्कार करता है वो मुक्त हो जाता है और जो चार शीतिकंठ मंत्र का जाप करता हुआ इस पर चढ़ता है वो ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। Thank you.
बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर बोल बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर बोल कर साथ में होंगे शिव शंकर साथ में होंगे शिव शंकर साथ में होंगे शिव शंकर राग द्वेष सब तज कर बोल बोल शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर बोल पावन करके बोल बोल शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर बोल दर्शी त्रिलोकी बोल बोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल बोले शंभु शंकर
के साथ रहे हमेशा भक्ति के साथ रहे हमेशा भक्ति के साथ भाव के भूखे भोलेनाथ रहे हमेशा भक्ति के साथ रहे हमेशा भक्ति के साथ रहे हमेशा भक्ति के साथ भक्ति भाव से भर के बोल भोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल भोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल भोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल भोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल भोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल भोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 बोल भोले शंभु शंकर बोल बोल बम बोल बम 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 पैड़ी बीच नहाए गंगा जी की धार में चलो बं, बं, बं। चलो चलो रे भोले भक्तों हरिद्वार में चलो चलो रे भोले भक्तों हरिद्वार में हरिद्वार जाने से कट जाती है यम की फांसी भोले जी के दर्शन से नहीं रहती कभी उदासी हरिद्वार जाने से कट जाती है यम की फांसी भोले जी के दर्शन से नहीं रहती कभी उदासी समय का घोड़ा भाग रहा है समय का घोड़ा भाग रहा है क्यों बैठा बेचार में चलो 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 रे भोले भक्तों हरिद्वार में चलो चलो रे भोले भक्तों हरिद्वार में हर की पैड़ी बीच नहाए हर की पैड़ी बीच नहाए गंगा जी की धार में चलो बम, बम, बम। चलो चलो रे भोले भक्तों हरिद्वार में चलो चलो रे भोले भक्तों हरिद्वार में शिवलिंग पर जो जल की धार चढ़ाते उनके जीवन बीच अंधेरे कभी नहीं है आते भोले जी के शिवलिंग पर जो जल की धार चढ़ाते उनके जीवन बीच अंधेरे कभी नहीं है आते अरे भर भर जोली बोले आया भर भर जोली बोले आया जो आया दरबार में चलो बं, 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 बं। चलो चलो रे भोले भक्तों हरिद्वार
चलो चलो रे भोले भक्तो हरिद्वार में हर की पेड़ी बीच नहाए, हर की पेड़ी बीच नहाए गंगा जी की धार में चलो 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 रे भोले भक्तो हरिद्वार में गली गली में शिव का रंग समाया शिव भोले का रूप अनोखा सभी के मन को भाया हरिद्वार की गली गली में शिव का रंग समाया शिव भोले का रूप अनोखा सभी के मन को भाया हरिद्वार सारा डूबा है हरिद्वार सारा डूबा है बम बम की जयकार में चलो बम बम चलो चलो रे भोले भक्तों हरिद्वार में चलो चलो रे भोले भक्तों हरिद्वार में हर की पैड़ी बीच नहाए हर की पैड़ी बीच नहाए गंगा जी की धार में चलो हम, चलो चलो रे भोले भक्तों हरिद्वार